हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, कल के वीडियो में हमने लेसन 1-2 के बाद जो वर्कशीट दी हुई है उसका पार्ट ए और बी किया था। आज हम बी सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। राइट द एंटोनियम्स फॉर ईच वर्ड। जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको उनके एंटोनियम्स लिखने हैं। एंटोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव द अपोजिट मीनिंग। एंटोनियम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं मीनिंग अपोजिट होता है, उल्टा होता है। फर्स्ट, एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, बिगिन शुरू करना एंड अंत, चीप सस्ता, डियर महंगा, डबल धोरा, सिंगल एक, अर्न कमाना, स्पेंड खर्च करना, फैट मोटा, थिन पतला, गिव देना, टेक लेना, हेस्ट जल्दी, स्लोनेस धीरे धीरे, जूनियर कनिष्ठ, सीनियर वरिष्ठ, प्रेजेंस उपस्थित, अब्सेंस अनुपस्थित। डी पार्ट, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एंटोनियम्स फॉर द इटैलिक वर्ड्स। डी पार्ट में जो इटैलिक वर्ड्स दिए हुए हैं उनका आपको एंटोनियम्स चेंज करना है। ही केम आफ्टर हिज सिस्टर, यहाँ इसमें इटैलिक वर्ड्स है आफ्टर, तो आपको आफ्टर का एंटोनियम चेंज करना है। तो ही केम आफ्टर का हो जाएगा बिफोर हिज सिस्टर। वह उसकी बहन के बाद आया, और यहाँ आ जाएगा कि वह उसकी बहन से पहले आया, क्योंकि आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। आई रीच देयर अर्ली, मैं वहाँ जल्दी पहुँचा, इसमें अर्ली का एंटोनियम चेंज करना है। आई रीच देयर लेट, मैं वहाँ देरी से पहुँचा। दे फेस्ड ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उन्होंने एक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, तो डिफ़िकल्ट यहाँ हो जाएगा ईजी। दे फेस्ड ए ईजी सिचुएशन। डू नॉट गो आउट इन द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट इन द कोल्ड का हो जाएगा हॉट वेदर, गर्म मौसम में बाहर मत जाओ। ए हेल्दी बॉय केम टू मी रनिंग, एक स्वस्थ बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया, तो हेल्दी का हो जाएगा वीक, एक कमज़ोर बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। ए वीक बॉय केम टू मी रनिंग। टास्क का आपका होमवर्क, आपको सी और डी पार्ट बुक में फिल करने हैं और इनको लर्न करना है। थैंक्स।